नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जितना कोशिश हो पा रही है उतनी आपके लिए क्लासेस रेगुलर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों हम DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए डिकैल्सिफिकेशन, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो डिकैल्सिफिकेशन होता है ये अपना पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसको डायरेक्ट 20 नंबर में पूछा गया है, 20 मार्क्स के अंदर इसको पूछा गया है डिकैल्सिफिकेशन को, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आज अपन स्टडी करेंगे, फर्दरली एक अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन यदि आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आपको किस प्रकार से इसको परफॉर्म करना है, आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, होता कैसे है डिकैल्सिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आज अपन इसके अंदर बात करेंगे। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि बोन जो होती है उसके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसका डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है, उसको अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पैथोलॉजी के अंदर अभी तक 13 लेक्चर्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन कुछ वीडियोस का लिंक या फिर मैं प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी की भी क्लासेस अपन रेगुलर बेस पर अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर जो रिसेंटली जो टॉपिक अपना चल रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है दोस्तों इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर अपन एंटीबॉडीज तो पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा उसके अंदर वो आएगा एंटीजन को लेकर के, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को लेकर के। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की भी क्लासेस आप ले सकें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी की जो रिसेंटली अपलोड जो अपनी वीडियो है उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं डिकैल्सिफिकेशन के बारे में, किसकी डेफिनेशन क्या होती है, होती क्या है डिकैल्सिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डिकैल्सिफिकेशन जो होता है वो होता क्या है। बेसिकली मैं आपको दोस्तों इस प्रकार से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम कंटेंट दिया जाए जिसमें आप अच्छे से इसको समझ सकें, और आप अगर इसको एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं, यदि आपके लिए ये एग्ज़ाम में आता है दोस्तों 20 नंबर में आ सकता है, कोई इसमें आने में कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार RPM CRUHS दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक क्रिया होती है, ये एक प्रोसेस होती है विच कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम, जो क्या करता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम, पूरे के पूरे कंप्लीट सारे कैल्शियम को क्या करता है रिमूव करता है, सॉरी फ्रॉम बोनी टिश्यू। कहाँ से? बोनी टिश्यू यानी जो बोन के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वहां से, लाइक टीथ एंड अदर टिश्यूज एंड कैल्सिफाइड टिश्यूज। यानी ये जो क्रिया जो होती है डिकैल्सिफिकेशन की, इसके अंदर कंप्लीट रिमूव हो जाता है कैल्शियम। कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से कंप्लीट रिमूव होता है, वो होता है बोनी टिश्यू एंड लाइक टीथ एंड अदर टिश्यूज कैल्सिफाइड टिश्यूज। यहाँ से इनके अंदर से कैल्शियम को कम्प्लीटली रिमूव करने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं डिकैल्सिफिकेशन। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करेंगे कि डिकैल्सिफिकेशन में इंट्रोडक्शन के रूप में अपन सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर। देखिएगा दोस्तों डिकैल्सिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के रूप में अपन इसका प्रोसेस सा देख रहे हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट को गौर से पढ़ें दोस्तों, मेरे पास में कई स्टूडेंट्स के जो कॉमेंट्स देख रहा हूँ या फिर डायरेक्ट मेरे जो कॉन्टैक्ट में हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा
कि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान ना हो जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लाइन का एक प्रॉपर अर्थ आपके लिए बता पाऊँ। थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, आपको क्या करना है, आप इस लाइन को उठाएंगे, यहाँ से राइट डाउन करें, राइट डाउन करने के बाद में उस लाइन को गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से आप उसे ट्रांसलेट कर लें, आपको आसानी से इसका ट्रांसलेट मिल जाएगा, आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों हिंदी में पढ़ाने से उन बच्चों का नुकसान होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का नुकसान होगा जो इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाने से आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। आपको करना क्या है, हर लाइन को लेना है और उसका क्या कर देना है, हिंदी अर्थ कर देना है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ ही आप आराम से हिंदी लिख सकें। जब मैं समझाता हूँ तब आप उस हिंदी को ढंग से सुने, अच्छे से उसके नोट्स बना सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट लाइन, प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू इट्स कंपोनेंट फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जब अपन प्रिपरेशन करते हैं एंड इट्स कंपोनेंट्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए इज द डिफिकल्ट डिफरेंट इट सॉरी इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट देन फॉर एनी अदर टिश्यू। जब हम टिश्यू की प्रिपरेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, लाइट माइक्रोस्कोप के लिए कंपोनेंट को बनाते हैं, तो ये डिफरेंट होता है एंड डिफिकल्ट होता है, कैसे, और दूसरे टिश्यू की तुलना में। ठीक है, कौन सा टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ हो रही है दोस्तों बोन टिश्यू की बात, बोनी टिश्यू की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, दिस इज ए प्रोसेस बाय विच, यह एक प्रक्रिया है विच द बोनी टिश्यू यानी कि बोन के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो इज मेड सॉफ्ट इनफ, इन्हें सफिशियंट मात्रा में, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में इन्हें सॉफ्ट करने की एक प्रक्रिया होती है डिकल्सिफिकेशन, सो दैट इट कैन इजिली कट बाई माइक्रोटोन नाइफ। एक माइक्रोटोन नाइफ नाम का एक क्या आता है, इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी सहायता से हम इसे ईजिली यानी आसानी इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। द एजेस ऑफ माइक्रोटोन नाइफ इज द डैमेज वाइल मेकिंग कंप्लीट डिकैल्सिफाइड टिश्यू ब्लॉक्स। जब अपन कंप्लीट डिकैल्सिफाइड टिश्यूज के जब ब्लॉक्स को काटते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो अपना नाइफ होता है माइक्रोटोन नाइफ, उसके जो एजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, डैमेज हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इन ऑर्डर टू ऑप्टेन सेटिस्फैक्ट्री पैराफाइन सेक्शन ऑफ बोन, कैल्शियम मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कोलेजन मैट्रिक्स। यानी इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में टू ऑप्टेन यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री पैराफाइन सेक्शन ऑफ बोन, बोन के सेटिस्फैक्ट्री पैराफाइन जो सेक्शन होता है, कैल्शियम मस्ट बी रिमूव्ड, कैल्शियम को मस्ट बी रिमूव्ड यानी कि रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक कोलेजन मैट्रिक्स। जो कोलेजन मैट्रिक्स होती है, ऑर्गेनिक कोलेजन मैट्रिक्स जो पाई जाती है बोन के अंदर, बोन की स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनिक कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर से उस कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज एंड सराउंडिंग टिश्यूज कैल्सिफाइड जो कार्टिलेज होती हैं और उसके सराउंड में जो टिश्यूज होते हैं उनमें से क्या कर देते हैं, अपन कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टीथ। कैल्शियम कहाँ और पाया जाता है दोस्तों, टीथ के अंदर पाया जाता है, एंड इन अमाउंट इन द अदर टिश्यूज एफेक्टेड बाई ट्यूबरक्लोसिस। जो किससे इफेक्ट होता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड मेलेंजिस। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है। ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं इंट्रोडक्शन में ही, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर। देखिएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन से रहे थे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग इज नोन एज डिकैल्सिफिकेशन। यानी टिश्यू के अंदर से रिमूव करना किसको,
कैल्शियम को, इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं अपन? डिकैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एन एसिड एंड आर रिएजेंट। डिकैल्सिफाइंग जो एजेंट्स होते हैं यानी जो डिकैल्सिफिकेशन करते हैं जो एजेंट्स, वो किससे बने हुए होते हैं, किससे कंपोज होते हैं? एसिड एंड रिएजेंट से कंपोज होते हैं। विच वाइल प्रिवेंट डिस्ट्रोशन ऑफ टिश्यू, जो कि टिश्यू के डिस्ट्रोशन ना हो जाए उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एसिड्स कॉमनली यूज फॉर डिकैल्सिफिकेशन आर। ये जो कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं किसके अंदर? डिकैल्सिफिकेशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड, सेकेंड फॉर्मेलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या होते हैं? कॉमनली यूज किए जाते हैं डिकैल्सिफिकेशन के लिए। सेकेंड लाइन लास्ट पॉइंट देखिएगा, द टेक्निक ऑफ डिकैल्सिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग स्टेजेस। कुछ स्टेज के अंदर इस डिकैल्सिफिकेशन की इस पूरी प्रक्रिया को इसे 5 स्टेजेस में क्या किया गया है? डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला आप देखेंगे तो सेक्शन ऑफ टिश्यू, सेलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अपन सेलेक्शन करेंगे। लास्ट सेकंड देखेंगे फिक्सेशन करेंगे, एंड सेकंड डिकैल्सिफिकेशन करेंगे, एंड सेकंड एसिड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, एंड सेकंड वॉशिंग करेंगे। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। डिकैल्सिफिकेशन को अपन फाइव पॉइंट जो हैं, 5 स्टेजेस जो हैं, इनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग लगाएं आप दोस्तों, सेलेक्शन ऑफ टिश्यू। इसके बारे में अपन देखते हैं सेलेक्शन ऑफ टिश्यू। देखिएगा दोस्तों, डिकैल्सिफिकेशन जो कि 5 स्टेजेस में अपने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेज होती है इसकी सेलेक्शन ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू का अपन सेलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है बोन, सेकंड पॉइंट है कैल्सिफाइड टिश्यू। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखें, बोन के अंदर वाई यूजिंग फाइन टूथ वॉन्जो एंड हैक सो थिक स्लाइस ऑफ बोन, थिक स्लाइस बोन चाहिए, ऑफ बोन आर ऑप्टेंड, ऑप्टेंड यानी देखनी है हमें, द स्लाइसेस शुड नॉट एक्सीड 4 to 5 mm इन थिकनेस, 4 to 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए थिकनेस के अंदर, द कट सरफेस शुड बी रिटर्न्ड टू रिमूवल डैमेज्ड एरिया आफ्टर डिकैल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग। डिकैल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग के बाद में इसको क्या कर देना है? कट सरफेस जो कैसी हुई है, डैमेज हुई है, उसको रिटर्न्ड कर देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कैल्सिफाइड टिश्यू, अ शार्प नाइफ इज यूज टू कट कैल्सिफाइड टिश्यू। कैल्सिफाइड टिश्यू को देखना है पहले बोन के अंदर, और एक शार्प नाइफ की सहायता से, जिसे हमने बोला था माइक्रोटोन नाइफ, उसकी सहायता से हमें क्या करना है? उसे कट करना है। ड्यूरेशन ऑफ डिकैल्सिफिकेशन विल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन, ठीक है। जो ड्यूरेशन जो होता है डिकैल्सिफिकेशन का, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन पर, ठीक है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में अपना फिक्सेशन सेकेंड स्टेज। देखिएगा दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर अपना, जो सेकेंड स्टेज में अपन ने इसको डिवाइड किया था वो है फिक्सेशन। फिक्सेशन आपको मैं पहले ही टॉपिक के रूप में पढ़ा चुका हूँ, एक शानदार टॉपिक है फिक्सेशन। अगर आप उस फिक्सेशन को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप अच्छे से इस सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब देखिएगा फिक्सेशन में, देखिए बोन मैरो इज फिक्स्ड इन द जेंकर्स फ्लूड। अब आपको जब यही नहीं पता है कि ये जेंकर्स फ्लूड होता क्या है, तो आप इसको लिखने में क्या होंगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जेंकर्स फ्लूड होता क्या है। तो आप इसके लिए देखें हमारा लेक्चर फिक्सेटिव, हमारा लेक्चर है एक फिक्सेटिव के नाम से, जो कि अपन यहां डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख लें ताकि आपको ये जो फिक्सेशन वाला टॉपिक है अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा जेंकर्स फ्लूड में हम इसको फिक्स्ड करते हैं
और एनी अदर रूटीन फिक्सेटिव, और जो हमारे रूटीनली जो फिक्सेटिव यूज में लिए जाते हैं उनमें से कोई भी फिक्सेटिव अपन इसके अंदर यूज ले सकते हैं। एनी अदर रूटीन फिक्सेटिव विच में प्रिजर्व द टिश्यू बेल, जो कि क्या कर सकें, ऐसे रूटीन में लिए जाने वाले फिक्सेटिव्स का यूज लेना है जो कि टिश्यू को अच्छे से क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, जैसे कि फॉर्मालिन। ठीक है दोस्तों, अब अपना इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है दोस्तों, वो होती है डीकैल्सिफिकेशन की। डीकैल्सिफिकेशन अपना थर्ड स्टेज है। अब इस थर्ड स्टेज को जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ने इसको फोर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, फोर हेडिंग्स में, फोर ब्लड हेडिंग्स में अपन को इसको डिवाइड किया है। देखिएगा ये क्या होते हैं, ये मेथड्स होते हैं, यानी डीकैल्सिफिकेशन को इन मेथड्स के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इनको हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर है अपना रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय द मिनरल एसिड, मिनरल एसिड के द्वारा रिमूव करना कैल्शियम को। सेकंड इसके अंदर है अपना यूज ऑफ आयन एक्सचेंज रेशियो रीजंस, एंड थर्ड है अपना बाय यूजिंग ऑफ कैलेटिंग एजेंट, और लास्ट है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम। इन मेथड्स की सहायता से अपन डीकैल्सिफिकेशन को परफॉर्म करेंगे, डीकैल्सिफिकेशन को देखेंगे। चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लगाएं आप, रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड। देखिएगा दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है अपना रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड, इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसको अपन टू टाइप्स से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देखते हैं, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, एक्वस नाइट्रिक एसिड आता है, फॉर्मलिन नाइट्रिक एसिड आता है, फॉर्मलिन आता है, फॉर्मिलिन, ठीक है, एसिड आता है, एंड गुड एंड स्टार्च फ्लूड, ये इसके अंदर आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। प्रोसीजर क्या होता है वो देखिएगा, कैल्सिफाइड टिश्यू स्पेसिमेन शुड बी कैप्ड फॉर कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन इन लार्जर क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मलिन एसिड सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि डीकैल्सिफिकेशन टिश्यू, कैल्सिफाइड टिश्यू स्पेसिमेन, जो कैल्सिफाइड जो टिश्यू आता है, जो स्पेसिमेन आता है उसका, उसको हमको रखना चाहिए किसके अंदर, कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन इन लार्जर क्वांटिटी ऑफ फॉर्मलिन एसिड। फॉर्मलिन एसिड की लार्ज क्वांटिटी में सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन, इसके अंदर हमें इसको क्या करना चाहिए, कैप्ट करना चाहिए, किसको, डीकैल्सिफाइड टिश्यू के स्पेसिमेन को। सेकंड पॉइंट देखिएगा, मस्ट वॉश इन रनिंग टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर के अंदर इसे धोना चाहिए फॉर 4 to 8 hours। डिहाइड्रेशन एंड इम्पीग्रेशन शुड बी डन विद पैराफाइन वैक्स, पैराफाइन वैक्स के साथ में इसको अपन क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन एंड इम्प्रीग्रेशन को अपन क्या करते हैं, डन करते हैं। दिस टेक्निक गिव बेटर स्क्रीनिंग कंप्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मेथड, नाइट्रिक एसिड जो मेथड होता है उस मेथड से कंप्रेशन में, ये जो फॉर्मालाइन वाला जो मेथड होता है, फॉर्मालाइन वाला जो ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर इसका बेटर स्क्रीनिंग हो सकती है। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे यूज आयन एक्सचेंज रीजंस, सेकेंड इसका जो पॉइंट है बी, उसको हेडिंग लगाएं। देखिएगा दोस्तों, बी पॉइंट यूज आयन एक्सचेंज रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे पहले से कहता आया हूं और अब फिर भी कह रहा हूं कि आप प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर एक वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ देर वीडियो को देखा, स्किप करते गए और हो गया कंप्लीट टॉपिक। आपको ना तो टॉपिक समझ में आएगा, ना ही आपको और कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ताकि आपको डीकैल्सिफिकेशन जो होता है, उसका फुल प्रोसेस जो होता है, उसके बारे में आप अच्छे से समझ में आ सकें। थर्ड पॉइंट जो अपना डीकैल्सिफिकेशन थर्ड स्टेज जो थी, उसके अंदर अपन सेकंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं यूज आयन एक्सचेंज रीजंस। इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज रीजंस यूज फॉर द रिमूवल कैल्शियम आयन फ्रॉम द फ्लूइड, ये कैल्शियम आयन को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है फ्रूड से, ठीक है। दीज रीजंस इज द लेयर्ड ऑन द वेटर ऑफ द कंटेनर 2x2 inch। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इफ दिस कंटेनर स्पेसिमेन इज अलाउड टू रेस्ट इन, इसके अंदर जो स्पेसिमेन होता है वो रेस्ट होने के लिए क्या होता है, अलाउ होता है। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, फास्टर डीकैल्सिफिकेशन होता है, टिश्यू
प्रिजर्वेटिव होते हैं और सेलुलर डिटेल बेटर प्रिजर्व किए जा सकते हैं। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हेडिंग लगाएं पॉइंट सी, पॉइंट सी की हेडिंग लगा लें। देखिएगा दोस्तों पॉइंट सी बाय यूजिंग चेलेटिंग एजेंट यानी कैलेटिंग एजेंट के रूप में देखेगा। कैलेटिंग एजेंट इज अ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये कैलेटिंग जो एजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच पावर ऑफ बिंडिंग सेवरल मटेरियल, जो कि इनके अंदर पावर होती है बहुत सारे मटेरियल को बाइंड करने की, इसके अंदर क्या होती है पावर होती है बिंडिंग सेवरल मटेरियल, ठीक है। सेकेंड देखिएगा EDTA हैज द पावर ऑफ कैलेटिंग मेटेलिक आयन लाइक कैल्शियम, मेटेलिक आयन को क्लैट करने की क्या होती है इसके अंदर पावर होती है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा दिस इज ए स्लो प्रोसेस बट हैज लिटिल और नो इफेक्टिव अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ये स्लो होता है प्रोसेस बट थोड़ा सा भी ये किसको इफेक्ट नहीं होने देता है और मटेरियल्स को और पदार्थ को। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम, लास्ट हेडिंग लगाएं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम। देखिएगा दोस्तों लास्ट पॉइंट है डीकैल्सिफिकेशन, जो कि अपनी स्टेज नंबर थर्ड थी उसका फोर पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर देखिएगा इट इज ए बेस्ड ऑन अट्रैक्टिंग कैल्शियम आयन ऑन द इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्टिंग ऑफ कैल्शियम आयन का क्या होता है ये बेस होता है यानी आधारित होता है। यह जो प्रक्रिया है यह जो इसका जो ये टाइप है ये किस पर आधारित होता है अट्रैक्टिंग यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कैल्शियम आयन ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर उसको क्या करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करने पर आधारित होता है। डीकैल्सिफाई एजेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 ml ले लीजिएगा, 90% फॉर्मुलिक एसिड 100 ml ले लीजिएगा और डिस्टिल वाटर 100 ml ले लीजिएगा, आपके लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट, ठीक है दोस्तों। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेडिंग नंबर फोर यानी स्टेज नंबर फोर एसिड न्यूट्रलाइजेशन। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दो पॉइंट्स हैं एसिड न्यूट्रलाइजेशन एंड वॉशिंग। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा थ्री पॉइंट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन ऑफ टिश्यू एंड सेकंड था फिक्सेशन एंड थर्ड था अपना डीकैल्सिफिकेशन और अपना फोर्थ है एसिड न्यूट्रलाइजेशन। इसके अंदर देखिएगा टिश्यूज शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर वॉशिंग, वॉशिंग से पहले टिश्यूज को न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय द ट्रीटमेंट विद वीक एल्कलाई सच एज 5 g/dL लिथियम और सोडियम सल्फेट, ठीक है। लिथियम और सोडियम सल्फेट वो कितना लेके लें 5 g/dL लिथियम और सोडियम सल्फेट के द्वारा इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है किससे पहले वॉशिंग से पहले, ठीक है दोस्तों। थर्ड लास्ट एंड फाइनल अपना जो स्टेज होती है 5 वॉशिंग इट इज अ कैरी आउट फॉर 2 to 4 hours यानी इस पूरी प्रोसेस में 2 से 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो इट इज कैरी आउट फॉर 2 to 4 hours इन द एल्कोहल और ओवरनाइट इन वाटर, 2 से 4 घंटे तक इसे हमें एल्कोहल के अंदर प्लेस करके रखना है और ओवरनाइट और पूरी रात हमें किसके अंदर वाटर के अंदर टू रिमूव एल्कलाई आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद में जो एल्कलाई जो अपना जो क्या होता है ये जो एल्कलाई जो होता है सच एज 5 g/dL लिथियम एंड सोडियम सल्फेट जो अपन लेते हैं इसको अपन को रिमूव करने के लिए इसे पूरी रात किसके अंदर रखना पड़ता है दोस्तों वाटर के अंदर रखना पड़ता है किसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में हमें इसकी क्या करनी होती है वॉशिंग करनी होती है। फटाफट से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों ये था अपना पूरा का पूरा टॉपिक डीकैल्सिफिकेशन की, डीकैल्सिफिकेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक अच्छा सा टॉपिक है जो कि हर बार सा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हो सकता है कि आपको केवल और केवल पूछ लिया जाए कि स्टेजेस ऑफ डिस्क्राइब अबाउट स्टेज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन तो आपको ये चारों के चारों स्टेज को परफॉर्म करना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए होल नंबर में 20 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब अबाउट डीकैल्सिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज आपको मैंने कहीं कहीं लिखाए हुए हैं डिसएडवांटेज आप खुद भी कर सकते हैं
चलिए दोस्तों, यह था अपना डिकैल्सिफिकेशन पूरा का पूरा, और आशा करूंगा कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या डाउट है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप तक अभी तक आपने हमारे लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं पैथोलॉजी सब्जेक्ट के, यदि आपने अभी तक हमारे माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के क्या नहीं देखे हैं वीडियोज नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप उन वीडियोज को देख लें, ताकि आपको आपके एग्जाम में अच्छी सी हेल्प मिल सके, आपके एग्जाम में हम थोड़ा सा काम कर सकें और आप अच्छे से उसको परफॉर्म करके आ सकें। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देता रहूं, और आशा करूंगा दोस्तों कि आप भी हमारा इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। यदि दोस्तों आप हो YouTube चैनल पर नए हमारे पर, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें, वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे किसी और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।